नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे जब आप पीक में खेलते हैं तो आपकी बॉडी काफी ज्यादा एक अच्छी दिखती है, मैस मॉन्स्टर वाली फिजिक हो या लीन स्ट्रक्चर वाली फिजिक हो। लेकिन जैसे ही आप बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लेते हैं, आपकी बॉडी एक कम्प्लीटली नॉर्मल जैसे लोग होते हैं उस तरीके से आपकी बॉडी दिखने लगती है। सो यूट्यूब के ऊपर इसके ऊपर काफी वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं कि लाइक बिफोर ये बॉडी बिल्डर इस तरीके से दिखता था, बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद इस बॉडी बिल्डर की सारी फिजिक उतर गई है, एकदम डाउनफॉल पे चला गया है। सो काफी लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं, काफी नेगेटिव कमेंट ज्यादा होते हैं और बॉडी बिल्डिंग को एक नेगेटिव वे में देखा जाता है। सो आज मैं आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन दूंगा कि जब भी कोई बॉडी बिल्डर रिटायरमेंट लेता है उसके बाद जो उसकी बॉडी की हालत होती है, यानी कि जिस तरीके से कंप्लीट आप लोग जो कहते हैं कि डाउनफॉल आ गया, इसके सारा मसल मास इसका लॉस हो गया है, इसका वेट लॉस हो गया है, पहले जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्यों बॉडी बिल्डर्स अपने जो प्राइमरी जो फिजिक होती है उसको रिटेन नहीं कर सकते। सो इसके ऊपर मैं आज आपको बताऊंगा। सो पहली बात यह है कि दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग एक काफी डिफिकल्ट स्पोर्ट है। जो लोग भी मेरे जो व्यूअर्स एथलीट्स हैं कम्पीट करते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे जरूर कि जब भी आप चूज करते हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाएंगे और वहां पे खेलेंगे, सो ये आसान नहीं होता। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में ऐसा नहीं कि लाइक एक पूरी टीम खेल रही है और पूरी टीम जीतेगी। यहाँ पे सिर्फ जो बेस्ट है वही जीतेगा, यानी कि अगर आपकी बॉडी ऑन स्टेज बेस्ट है तो ही आप जीतेंगे। यहाँ पे सेकेंड प्लेस थर्ड प्लेस कोई मैटर नहीं करता। मिस्टर ओलंपिया देख लीजिए आप, अगर जो मिस्टर ओलंपिया बन जाता है तो वही बेस्ट बॉडी बिल्डर कहलाता है। सेकेंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, इससे कोई मैटर नहीं करता। सो हमें एटमोस्ट उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। जो भी एथलीट्स कम्पीट करते हैं, जो भी इस प्रोफेशन में है, तो उनको रिस्पेक्ट देना हमारे हाथ में है। सो जो इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ट्रोलिंग चलती है कि जैसे ही बॉडी बिल्डर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी पूरा मसल मास लॉस हो जाता है, तो उसके ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट आते हैं कि क्यों ये लोग अपना मसल मास रिटेन नहीं कर पाए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, मैं आज आपको इसके ऊपर बताने वाला हूँ कि क्यों जब भी कोई बॉडी बिल्डर अपने प्राइम में खेलता है तो उसी तरह का मसल मास वो अपने एट द एज ऑफ 60 या एट द एज ऑफ 70 या 80 इस तरह का मसल मास रिटेन क्यों नहीं कर पाता। सो दोस्तों, बॉडी बनती कैसे है? ऑफकोर्स हमें पता है कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन और रेस्ट, यानी कि आपकी स्लीप, ये क्रिटिकल फैक्टर्स है जो थ्री मेन पिलर्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के। लेकिन जब आप प्रोफेशनल शोज में जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, सिंथॉल इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अब ये कितना लीगल है, इलीगल है, ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रोफेशनली कम्पीट नहीं करता हूँ। जो मैंने अभी 9 साल की इंडस्ट्री में मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऑफकोर्स बॉडी बिल्डिंग के प्रो शोज में स्टेरॉइड्स कुछ हद तक लीगल है। उसमें टेस्टोस्टेरोन हो गया, जीएच हो गए, डायनाबॉल हो गए, ये कॉमन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं जो काफी सारे बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी में लेते हैं, ओरली लेते हैं या फिर उसको इंजेक्ट करते हैं। सो उसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स इतना क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल मास गेन कर सकते हैं, और होना भी चाहिए। अगर आप बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे कम्पीट करते हैं सो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं नेचुरली इस लेवल की फिजिक को अटेन कर सकता हूँ। ऑफकोर्स ये बॉडी बिल्डर्स कोई ना कोई केमिकल एनहांसर्स यूज करते हैं जो इनको एक एड ऑन की तरह काम करते हैं इनके डाइट, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के ऊपर, जो इस तरह की फिजिक ये बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनका प्राइम टाइम खत्म होता है, यानी कि इनका पीक करियर खत्म होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब मैं बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट लूंगा, तो इनकी फिजिक आप देखिए पूरी तरीके से डाउनफॉल पे आ जाती है। आप कुछ फोटोज में इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते कि या ये वही बॉडी बिल्डर है जो अपने एरा का मैस मॉन्स्टर हुआ करता था। सो ये जो फोटोज और वीडियोज आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस कॉर्मियर की फोटो है। ये क्रिस कॉर्मियर वन ऑफ द बेस्ट एस्थेटिक और उसी के साथ मैस मॉन्स्टर थे। लेकिन जैसे ही उनकी बॉडी डाउनफॉल पे आनी चालू हुई, सो काफी लोग ऐसे थे जो क्रिस कॉर्मियर को रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे थे। उसी तरीके से डोरियन येट्स एक बॉडी बिल्डर थे जिस बॉडी बिल्डर ने मैस मॉन्स्टर्स का एरा शुरू किया था। डोरियन येट्स ने ही मैस मॉन्स्टर्स को ऑन स्टेज लाने पे मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर आज आप डोरियन येट्स को देखेंगे, डोरियन येट्स की कंप्लीटली फिजिक उतर चुकी है, डाउनफॉल पे आ चुकी है। वैसे ही पॉल डिलेट हो गए। पॉल डिलेट अपने एरा के, यानी कि 1996 में पॉल डिलेट का पीक टाइम चल रहा था। लेकिन अगर आज आप पॉल डिलेट को देखेंगे तो पॉल डिलेट को आप रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते। पॉल डिलेट की कंप्लीट फिजिक उतर चुकी है और इसके ऊपर काफी इनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, काफी लोग इनको ट्रोल करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। सो आज मैं आपको जस्टिफिकेशन दूंगा कि क्यों बॉडी बिल्डर डिसाइड करते हैं अपनी बॉडी बिल्डिंग को पीछे छोड़ के, अपना न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंटेशन सबको पीछे छोड़ के एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं ये लोग। मेरे हिसाब से ये काफी स्मार्ट तरीका है। अगर
आप मेरे वर्ड टू वर्ड पे ध्यान देंगे तो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। कोई भी बॉडी बिल्डर जैसे ही उसके प्राइम में खेलता है, जैसे कि एट द एज ऑफ 20 से लेकर एट द एज ऑफ 40, ये कॉमन एक एज होता है बॉडी बिल्डिंग में जहां पे आप अपने प्राइम में खेलते हैं। लेकिन जैसे ही एट द एज ऑफ 40 प्लस हो जाता है तो बॉडी बिल्डर्स अपने पूरे करियर से रिटायर हो चुके होते हैं। और द मेन रीजन ये है कि क्यों इनका मसल मास इतना लॉस हो जाता है, वो है इनका एनाबॉलिक स्टेरॉइड से ऑफ लेना। हम जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड साइकिल चलाने पड़ते हैं आपको, ताकि आपको एक सर्टन लेवल ऑफ मसल मास रिटेन कर सके आप। लेकिन जैसे ही आप इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल से नीचे आते हैं, इसको बंद कर देते हैं प्रॉपर वे में कंसल्टेशन के साथ, उसी के बाद आपकी बॉडी पूरी तरीके से डाउनफॉल पे आनी चालू होती है। जब आप ये करते हैं कि आप स्टेरॉइड साइकिल बंद कर देते हैं, उसी के साथ आपको आपकी ट्रेनिंग रोकनी पड़ती है, आपको आपका हैवी न्यूट्रिशन रोकना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो मैथ मॉन्स्टर्स होते हैं वो अपने एरा में ऑलमोस्ट 1000 ग्राम कार्ब्स, हाफ अ किलो प्रोटीन, ना जाने कितने अमाउंट ऑफ फैट्स कंज्यूम करते हैं, इतने सारे स्टेरॉइड साइकिल चलाते हैं, उसी के साथ इतनी हार्ड कोर इंटेंस ट्रेनिंग होती है। सो सिर्फ स्टेरॉइड साइकिल बंद करने से आपकी बॉडी नीचे नहीं उतरेगी, आपको ऑलमोस्ट आपका ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, सप्लीमेंटेशन, आपका प्रोटीन, कार्ब इंटेक, फैट इंटेक, सब कुछ आपको एक झटके में कम करना होता है। ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे ही आपकी उम्र 45 प्लस या 50 प्लस चली जाती है, आपके कार्डियोवास्कुलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आना शुरू होता है। अगर आप 290 प्लस पाउंड जाते हैं, जैसे कि नेसरल सेम्बाती, रिच पियाना को ले लीजिए आप, ये सारे बॉडी बिल्डर जैसे थे जिनका वेट ही 290 प्लस हुआ करता था ऑन स्टेज। सो 290 पाउंड्स के ऊपर अगर आपका वेट है तो आपके हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और अगर आपने अपने ठीक टाइम में अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो आप जानते हैं कि नेसरल सेम्बाती और रिच पियाना के साथ क्या हो गया था। ज़्यादा लाइफ तक ये लोग नहीं जी पाए, हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई थी, स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो इन्होंने इतने सारे अब्यूज़ कर लिए थे, और उसके ऊपर से इन्होंने ऑफ साइकिल नहीं मनाई, और उसी की वजह से इनकी मौत काफ़ी कम उम्र में हो गई थी। लेकिन अगर आप बाकी बॉडी बिल्डर्स को देखें, जैसे कि पॉल डिलेट, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, डोरियन येट्स, ये सारे स्मार्ट बॉडी बिल्डर्स हैं। इनको पता था कि जैसे ही मेरी उम्र 50 प्लस जाएगी मुझे सारे स्टेरॉइड साइकिल रोकने होंगे। आप ली हेनी को देख लीजिए, ली हेनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, चलते फिरते एग्जांपल है एक किस तरीके से एस्थेटिक और मैथ को हैंडल किया जाता है। उसी तरीके से आप फ्रेंको कोलंबो को ले लीजिए, फ्रेंको कोलंबो भी अपने एरा के काफ़ी बेस्ट बॉडी बिल्डर रह चुके हैं। सो इन बॉडी बिल्डर्स को पता था कि एट द एज ऑफ 50 प्लस मुझे अपनी स्टेरॉइड साइकिल नीचे लानी होगी। अगर आपको आपके हार्ट के ऊपर काम करना है तो आप 290 प्लस पाउंड्स लेके अपने हार्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते। हार्ट और कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग तभी काम करती है जब आप एक नॉर्मल एवरेज लुकिंग गाय की तरह दिखते हैं, उनकी तरह खाते हैं, उनकी तरह सोते हैं, उनकी तरह ट्रेनिंग करते हैं। सो ये जो बॉडी बिल्डर्स IFBB प्रोज हैं जो स्टेज के ऊपर कम्पीट कर रहे हैं, जैसे ही ये अपने बॉडी बिल्डिंग करियर से रिटायरमेंट लेते हैं, इनको सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपने स्टेरॉइड साइकिल इनको बंद करने होते हैं, उसके ऊपर एक पोस्ट स्टेरॉइड साइकिल को किस तरीके से बंद किया जाता है उसके ऊपर काफ़ी हैवी कंसल्टेशन होती है। इनके खुद के डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो इनको गाइड करते हैं इनके ऑफ स्टेरॉइड आने के लिए, और इनको सारा मसल मास लॉस करना पड़ता है। अब ये कहने के लिए तो काफ़ी आसान है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपने इतने सालों की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट से इतनी हैवी मसल मास वाली बॉडी बना ली है, और आपको एक झटके में अगर ये कहना होगा कि अब आप इसको सब कुछ बंद कर देंगे और आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी होगी, तो किस लेवल का मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा। ये मेंटल स्ट्रेस हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, हर कोई इसको हैंडल नहीं कर सकता। प्राइम एग्जाम्पल रिच पियाना, नेसरल सेम्बाती, डेलास मेकावर, इनको आप ले सकते हैं। ये लोग, मैं समझता हूँ कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे, एक मैथ मॉन्स्टर की तरह इनकी फिजिक हुआ करती थी। लेकिन वक्त के चलते अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपके कार्डियोवास्कुलर के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स आपके हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, आपके आर्टिलरीज ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, आप देख सकते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में कितने सारे पहले से ही एक नेगेटिव वे में देखा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के स्टेज के ऊपर बॉडी बिल्डिंग क्रैम्स आते हैं, हार्ट के ऊपर कितना प्रेशर आता है, हार्ट अटैक्स होते हैं। सो 50 प्लस जैसे ही आपकी उम्र जाती है, आपको सारे स्टेरॉइड साइकिल बंद करने होते हैं, आपको पूरा मसल मास लॉस करना होता है, क्योंकि आपको अपने हार्ट को बचाना है। अगर आपको हार्ट को नहीं बचा सके तो ऑफकोर्स हार्ट अटैक्स तो काफ़ी कॉमन है बॉडी बिल्डिंग में। सो दोस्तों, ये था मेरा कंप्लीट वीडियो जैसे ही बॉडी बिल्डर्स रिटायर होते हैं। ये वीडियो बताने का पर्पज़ ये नहीं था कि देखें कि किस तरीके से
और बॉडी बिल्डिंग में एट द एज ऑफ 50 बॉडी बिल्डर से कंप्लीट ऑफ साइकिल आ जाते हैं और उनकी फिजिक डाउनफॉल पे रहती है। इसके ऊपर आपको ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो मेन रीजन है कि क्यों बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डर्स पर्पजली ये डिसाइड करते हैं कि जैसे ही मेरी उम्र 50 प्लस होगी मैं बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले लूंगा और सारे स्टेरॉइड साइकिल न्यूट्रिशन हैवी ट्रेनिंग से एक ऑफ ले लूंगा ताकि मेरा हार्ट ठीक से काम कर सके। ये मेन पर्पज है और इसी को स्मार्ट बॉडी बिल्डिंग कहते हैं। सो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या सोचते हैं आप लोग, क्या आप लोगों ने इस तरह के वीडियोस पहले देखे हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि बॉडी बिल्डिंग में क्यों बॉडी बिल्डर्स 50 साल के जैसे ही आगे जाते हैं तो उनकी फिजिक इतनी डाउनफॉल पर आ जाती है। तो उनका मेन रीज़न है स्टेरॉइड से वो लोग ऑफ साइकिल ले लेते हैं। सो अगर दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का आइकन आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब आइकॉन क्लिक करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी क्लिक कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन क्लिक नहीं करेंगे तो YouTube आप तक नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो YouTube पे अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकॉन गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम हर्षल मुदिराज, पीस आउट।